दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम एक रिचार्जेबल एलईडी बल्ब की एमसीपीसीबी को लिथियम सेल या पुराने मोबाइल की बैटरी से जलाना सीखेंगे। नॉर्मली जो हमारे बल्ब आते हैं वो करीब 100 से 150 रुपए में रिचार्जेबल बल्ब हमें मिल जाते हैं, और यहाँ पर इनका सिस्टम क्या होता है कि यहाँ पर न्यूट्रल और लाइव दोनों फेस अर्थिंग कनेक्ट करने होते हैं, और यहाँ पर लिथियम सेल के कनेक्टर यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है और ये हमारा बल्ब ग्लो करने लगता है। बल्ब कैसे ग्लो करता है, जब हम इसके दोनों पॉइंट इस तरीके से शॉर्ट कर देते हैं ये वाले, तो ये ग्लो करने लगता है, पर इसे हम ग्लो डायरेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे यदि हम बैटरी के वायर लगा भी दें और उसके इन प्रिंट को शॉर्ट भी करें तब भी ये बल्ब ग्लो नहीं होगा, वो मैं एक रीज़न आपको बताता हूँ उसके कनेक्शन आपको कैसे करने हैं। यहाँ पे जो हमारे ओरिजिनल बल्ब होते हैं रिचार्जेबल, यहाँ पे आपको 4 पॉइंट देखने के लिए मिल जाते हैं, जो 2 हमारे एसी से जलते हैं और 2 पॉइंट में हमारा डीसी सेक्शन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसमें ये सिस्टम होता है, लेकिन इसमें आप कैसे इस बैटरी से इसे जलाएँगे, तो क्या ये डायरेक्टली जल जाएगा, चलिए आज हम आपको बताते हैं। तो इस प्लेट को हमें लेना है और यहाँ से हमें 2 वायर कनेक्ट करनी है जो कि माइनस और प्लस होगा, और ये हमारे लाइव और न्यूट्रल ये 2 पॉइंट हैं, और इसके बाद यहाँ पे कोई भी कनेक्शन के लिए प्रिंट नहीं है, आप देख सकते हैं। ये लोकल एलईडी बल्ब में कॉप पाई जाती है और ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी हो जाती है जल्दी, तो यहाँ पर हम 2 वायर कनेक्ट कर लेंगे बैटरी के लिए। तो प्लस वाले में हमने रेड वाला वायर कनेक्ट कर दिया है और माइनस वाले में हमने ब्लैक वाला वायर कनेक्ट कर दिया है। तो दोस्तों इसके वायर हमने कनेक्ट कर दिए हैं, अब हम इसे बैटरी से कनेक्ट कर लेते हैं। आप चाहें तो इस सेल से भी कनेक्ट कर सकते हैं, पर अभी वो प्रॉपरली चार्ज नहीं है। अब यहाँ पर जब हम इससे कनेक्ट कर देते हैं तो ये चल नहीं पाता, आप बिल्कुल देख सकते हैं क्लियर, अभी ये बंद है। यदि आप इसे जलाना चाहें तो आप अब कैसे जलाएँगे, तो यहाँ पे जो लाइव और न्यूट्रल इसके 2 पॉइंट होते हैं इन्हें आपको टच कर देना है, तो आप इसे जो है 5 वोल्ट की कॉप की तरह यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये क्लियर चल चुकी है। यदि आपके पास एक ख़राब प्लेट पड़ी है तो आप इसे बैटरी से 5 वोल्ट में यूज कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो से कुछ भी मदद मिली हो तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। आप चाहें तो इसे एमरजेंसी के रूप में भी यूज कर सकते हैं, और ये तो यहाँ पे दोस्तों आप इसकी ब्राइटनेस देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा तेज़ इसकी ब्राइटनेस है। यदि आप चाहें स्टूडियो वगैरह में या कुछ काम करना चाहें तो यहाँ पे आप काम भी कर सकते हैं, आप देखें या राइटिंग वगैरह आप करते हैं तो ईजिली आप इससे कर सकते हैं, और ये काफ़ी यूजफुल भी है और बहुत ही बढ़िया इसका बैटरी पैकअप भी रहेगा। आप इसे लगभग 2000 mAh की बैटरी से 8 से 10 घंटे चला सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें और नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।